पहले तो ये मैं बढ़िया सब हाँ। अपने अपने घर पहुंच चुके हैं। डॉक्टर रमेश चंद्रा का थोड़ा सा इश्यू रहा था, उनका प्लेन में गड़बड़ हो गई थी, अरे लेकिन हाँ वो सेफली वापिस पहुंच गए नागपुर ओके। जा गए, दोबारा दूसरी फ्लाइट ले गए, पहुंच गए थे, थोड़ा लेट हुए थे। आप अलग अलग 12 स्टेटों से हमारे नागपुर में आए हैं और 45 44 और 45 डिग्री टेम्परेचर था नागपुर का, तो भी अरे सब ये लोग बहुत ठंडा हुआ है। तरह और बहुत अच्छा कार्यक्रम। अभी बहेल सर भी बोल रहे थे, सचमुच में ये नागलोक की नागभूमि है, तो नागलोक वैसे भी यानी सभी लोग अच्छा ही कार्यक्रम करते हैं। तो मेरा कहना ये है कि हम भी छोटे थे जब, तो अलग अलग दो वार्ड थे हमारे गांव में, तो अलग अलग जयंती मनाते थे। फिर हम जैसे जैसे बड़े हुए, तब तो मैं चौथी पांचवी क्लास में होंगी, तो एक ही झंडा था, तो दो झंडे थे, लेकिन हमारे वार्ड में एक झंडा था, उनके वार्ड में नहीं था, तो अलग अलग जयंती दोनों भी वार्ड की मनाते थे। फिर हम लोग ने हम जैसे बड़े हुए हैं ने, शायद मैं 8वीं 9वीं में होंगी, सबको बताई कि यानी दो जगहों से एक जगह करो तुम, तो और भी अच्छा जयंती मना सकते हैं। तो उन्होंने 2-4 साल नहीं माना हमारा कहना। बाद में जब मैं 10th में गई तो सभी को बुलाया, यानी हम 150 लोगों की बस्ती थी तब, तो उन्होंने फिर इकट्ठा आया वो सब लोग जो जिनको नेता बोलते ना, तो ऐसे टाइप के नेता लोग आए इकट्ठा और बोले कि नहीं ये बच्ची की बात मानना चाहिए। तो हम लोग ने इकट्ठा जयंती मनाना शुरू किया। जब मैं नागपुर पढ़ने आए तो फिर दो वार्ड बन गए, फिर से ने दोनों बुद्ध विहार बन गए वहां पे। तो फिर मैं गई और बोली कि अरे दो बुद्ध विहार काय के लिए चाहिए अपने को, तो दो बुद्ध विहार तो जहाँ थाईलैंड की मूर्ति है तो वहां आप पूजा पाठ कर सकते हो, और दूसरा जो बुद्ध विहार है तो उसको इन्हें बड़ा हॉल बना के रमाबाई का नाम दे दो, और जो बच्चे है जो लाइब्रेरी पे या बाहर नहीं जा सकते, खर्चा नहीं कर सकते, उनके लिए लाइब्रेरी बनाओ, और यहाँ से इन्हें 12वीं की किताबें या यूपीएससी की किताबें या एमपीएससी की किताबें ला सकते हो, तो जितना खर्चा आएगा लाइब्रेरी बनाने के लिए कुर्सी से लेके मैं दूंगी। तो उन्होंने वो कहना माना और वो हॉल जो है अभी रमाबाई अंबेडकर जी के नाम से वो वैसे की वैसे ही है, तो वहां पे हर एक कार्यक्रम होते हैं और बच्चे वहां पर पढ़ाई भी करते हैं। तो जब तक के अपना कंसेप्ट उनको समझ में नहीं आता, और मन में वो बात होना चाहिए सर, मन में यदि विचार आया तो आदमी कुछ भी कर सकता है, तो अपन किसी के ऊपर दबाव नहीं डालेंगे। समन संघ का कंसेप्ट जिसे समझ में आया वो जल्दी जुड़ता सर, एक ही कंसेप्ट में, एक ही पहली बार भी वो ज्वाइन हो गया ये इसमें, तो पहली बार दूसरे सेकंड टाइम वो जुड़ता है, समन संघ का मेंबर वो बनता है। तो ऐसे अपन किसी के ऊपर जबरदस्ती नहीं करेंगे, जिनको आना है जो चाहते हैं कि हमारे हक अधिकार हमारे सेफ रहना चाहिए, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ हम कर सकते हैं तो करना चाहिए, यही टाइम है, आज नहीं तो कभी नहीं, तो वो लोग आएंगे, जिनको आना है तो आएंगे, और जो साल में जैसे बहेल सर ने बोला है तो अपना समन संघ बढ़ना ही है, 10 महीने में या 12 महीने में इतना अपन लोगों को जोड़ सके हैं, आगे भी जोड़ेंगे और जुड़ते रहेंगे। मेरे तो सब रिलेटिव मैं पहचान नहीं करा सकी, लेकिन मेरे नागपुर के मैक्सिमम रिलेटिव ये समन संघ के मीटिंग में आए हैं, 15-15-20 किलोमीटर से भी लोग आए हैं। तो समन संघ ऐसा है, वो समन संघ ही ऐसा है कि नाम सुनते ही लोग जुड़ेंगे सर, अपने को कोई ये करने के नहीं, वो आएंगे और आगे कारवा बढ़ते रहेंगे और बढ़ेगा ही, ऐसा मेरा कहना है। तो धन्यवाद सर, बहुत अच्छा ये रहा नागपुर का नागभूमि का, और आप लोगों ने भी पड़े धूप में हमें साथ दिया, उसके लिए हम सबका धन्यवाद कहते हैं। आगे भी हम पूना में मीटिंग लगाए जगह जगह पे, अभी कटके सर रिटायर होने वाले हैं जून में, तो हम लोग पहले विदर्भ की तरफ ध्यान देंगे, बाद में हम इधर पश्चिम महाराष्ट्र में आएंगे सर,
और यहाँ से भी बहुत बड़ा नेटवर्क बनेगा, ऐसे मुझे आशा है। और धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान। साधु 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 विनय कुमार कहेंगे जी। बहन जी, हमारे पंजाब में कहते हैं आपके मुंह में घी शक्कर। जी घी शक्कर वाले ही हम लोग हैं, मीठे मीठे ही बोलने। आपने जो विश किया है ना, अभी तो भाई जाना भगवान सिंह ना मिलते हैं। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है, ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएँ क्योंकि धम्म सबका है। हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। साधु साधु साधु।